इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले एक MOU के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि साइन किया गया है भारत के BDL और फ्रांस के MBDA के बीच में। ये MOU साइन किया गया है A2R मिसाइल मिस्टल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि भारत में बनाए जाएंगे। MOU की जो साइनिंग है वो अभी करंट में चल रहा है, Euro-SATI-22 पे की गई है, जो कि पेरिस में अभी चल रहा है। तो मिस्टल एक हेलीकॉप्टर बेस्ड A2R मिसाइल है, हीट सीकिंग फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए MOU साइन हुआ है। जहाँ तक बात है इसके भारत में इस्तेमाल की, तो HL का जो LCH है ऑलरेडी इसको फायर कर चुका है, जो आपके रुद्र हैं, ALH रुद्र मार्क 4 हेलीकॉप्टर, वहाँ पे ये डिप्लॉयड है, वहाँ से फायरिंग कंडक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखे जा रहे हैं भारत में इस्तेमाल के लिए, प्लस यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है भारत से वो भी देखा जा रहा है मिस्टरल का। मिस्टरल की रेंज की बात करते हो तो जो मैक्सिमम रेंज है वो लगभग 6.5 किलोमीटर के अराउंड है। हेलीकॉप्टर से फायर करने के बाद जो इसके टारगेट होंगे, जैसे UAV और जो एनिमी के हेलीकॉप्टर्स है, वो इसके मेन टारगेट होंगे। इसके लॉन्चर मॉड्यूल की बात करोगे तो दो मिसाइल को कैरी करते हैं। मिस्टल की बात करते हो तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.7 मार्क की है, और सॉलिड रॉकेट मोटर का ये इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जो की पॉइंट है वो इसका वेट है, तो जो इसका वेट है वो 18.7 kg का है, जिसमें अराउंड 3 kg का जो वॉरेड है वो ये कैरी कर सकता है। बात करोगे मिनिमम इंटरसेप्शन रेंज की तो 500 मीटर की है, तो आप कह सकते हो कि ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन सकता है। जो भी नंबर में आप हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हो LC और LOC के अराउंड, जो कि 90 प्लस के नंबर में जो रुद्र है ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं, जो LCH की प्लानिंग है वो चल रही है। कुछ की फीचर की बात करते हो तो जो यहाँ पे सीकर दिया गया है मिस्टरल में, उसका बोर ऑफ साइट काफी बड़ा है, जो कि हेल्प करेगा टारगेट को प्रिसाइजली हिट करने में, लॉक करने में। मिसाइल के पास एक एस शेप ट्रेजेक्ट्री है, जो कि ऊपर जाके टारगेट पे गिरता है, तो स्पेशली लॉन्ग रेंज में जो टारगेट को हिट करने की पॉसिबिलिटी है डिटेक्शन से बचते हुए, वो यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मोड को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है क्रू के पास, और एक टाइम में हेलीकॉप्टर के जो दोनों बीम है उन पे माउंट किया गया जो लॉन्चर है, वहाँ पे आपको 4 मिसाइल मिलेंगी फायर करने के लिए। फ्लाइट एनवेलप की बात करते हो तो अनलिमिटेड फ्लाइट एनवेलप है एक पर्टिकुलर मैक्सिमम रेंज के लिए, जबकि जो लॉन्चिंग ऑल्टीट्यूड है जहाँ से ये ऑपरेट हो सकता है, लगभग 15,000 फीट पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो किसी हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए, अगर जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है वो 200 नॉट के अराउंड रहती है। तो इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो काफी हायर आकी गई है, और इस तरह की जो फैसिलिटी है इसको मैन्युफैक्चर करने की वो भारत में सेटअप हो जाती है। तो मिस्टरल A2R मिसाइल ही नहीं, जो मिस्टरल के अदर ऑप्शन होंगे उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल BDL को जो इक्विपमेंट की नॉलेज है वो ट्रांसफर की जाएगी फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, और जो फैसिलिटी है वो 2023 से ऑपरेशन में आ जाएगी। तो इस तरह के मिसाइल का जो डेवलपमेंट है आपका वो एक अच्छा स्टेप है, स्पेशली LCH के लिए। इसमें हम बात कर लेते हैं एक और सिस्टम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, HIMARS है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पोस्ट की गई है इंडियन नेवी के द्वारा, यहाँ पे उनके ऑफिशियल का जो एक रिव्यू है BEL की फैसिलिटी का वो शो किया जा रहा है पिक्चर में। तो पिक्चर में कुछ सिस्टम आपको दिख रहे हैं, तो पहले लुक से आप दो तरह के सिस्टम इसको आंक सकते हो। पहला तो ये हो गया कि हेलीकॉप्टर को हैंगर में ले जाने के लिए जो मैकेनिज्म है प्रॉब्ली वो हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि काफी जो सिमिलैरिटी है वो HIMARS से आपको दिख रही है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे BEL HIMARS सिस्टम पे काम कर रही है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए जो ऑफिशियल है उन्होंने BEL को विजिट किया है। HIMARS की बात करेंगे तो ये कैरियर बेस्ड लॉन्च सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल करके लाइट और हैवी एयरक्राफ्ट को आप एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से फेंक सकते हो स्पीड पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो HIMARS है वो दो तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी का और जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्जन है उसका इस्तेमाल करता है एयरक्राफ्ट को डेक से फेंकने के लिए। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी इस तरह की है तो आपको आसानी हो जाती है उसके कंट्रोल में, ज्यादातर जो कंट्रोल है वो आप कंप्यूटर से कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, और जो ऑटोमेशन है वो हाईली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो करंट में ज्यादातर HIMARS सिस्टम है वो सिंक्रोनस मोटर के अराउंड घूम रहे हैं, जहाँ पे जो पावर की सप्लाई है वो पल्स डिस्क अल्टरनेटर के थ्रू साइक्लोन कन्वर्टर से होती है। तो जो भी आपको यहाँ पे एवरेज पावर मिलती है उसको आप स्टोर कर लेते हो काइनेटिकली डिस्क अल्टरनेटर के रोटर्स पे, और बाद में जो रिलीज है 2-3 सेकंड बाद वो आपको देखने को मिलता है लॉन्च के टाइम पे। तो यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी पावर है वो फेड की जाती है साइक्लोन कन्वर्टर में, जो कि वोल्टेज को ऊपर लेके जाएगा, फ्रिक्वेंसी को ऊपर लेके जाएगा, और जो फ्रिक्वेंसी है मोटर की लॉन्च फ्रिक्वेंसी उसको ऊपर लेके जाएगा। तो ये क्लोज लूप में काम करता रहेगा, और एयरक्राफ्ट की जो लॉन्चिंग है डेक से वो फ्रीक्वेंट हो पाएगी स्टोबार के कंपैरिजन में। तो इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कहोगे अच्छा डेवलपमेंट है, जिसमें जो BEL है वो इंडियन नेवी के लिए HIMARS डेवलप कर रही है। यहाँ पे HIMARS की बात कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में चाइना द्वारा लॉन्च किए गए Type-003 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 HIMARS दिख रहे हैं एयरक्राफ्ट के लॉन्चिंग के लिए, जिनको कवर किया गया है। तो एक बार में प्रॉब्ली 3 जो एयरक्राफ्ट है वो लॉन्च किए जा सकेंगे इस कैरियर से। तो फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन है चीन ने इस टेक्नोलॉजी का किया है अपने कैरियर्स पे, और आने वाले दिनों में प्रॉब्ली इंडियन नेवी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो करने वाले अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।